श्रीमद स्कंद प्रथम अध्याय अठारह ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप श्लोक संख्या अठारह शब्दार्थ अनुवत्तात्पर्य शिष्य मदेशी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सूत उवाच अहो वयम जन्म वृतोद्यहा स्म वृद्धानुवृत्या विलोम जाता विदुनोति दौस्कुल्यदि विदुनोतिशीघ्र शब्दार्थ श उवाच शील सुत गोस्वामी ने कह अहो, अहो कैसे, कैसे? वयम हम

योम जाता, जाता मिश्र जाति में जन्मे दौशकूल्य जन्मजात अयोग्यता आदि कष्ट विधुनोती करती है शीघ्र तुरंत महत्मा महानोका वार्ता, श्री गोस्वामी ने कहा हे hey ईश्वर यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत परिवार में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिशारणीय के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे और अपनी दिव्य संगति से भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शुद्र गृहस्थ हो या सन्यासी यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ने शुकदेव व्यास देव जैसे, से का था, और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद भागवत के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाहते थे इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है इस प्रकार सुध गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि शिल सुखदेव गोस्वामी ने न तो सुख गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया नहीं नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इनकार किया इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा को कट्टरता जाति प्रथा की कट्टरता पिछले सौ वर्षों में प्रमुख बनी है जब द्विज उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई भगवान श्री चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात भगवान के पवित्र नाम के महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी का पद प्रदान किया यद्यपि श्री लरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है किंतु जहां तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में ले और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर हैं अतः उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद भागवत के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबद्ध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद भागवतम में है ओम ज्ञान ज्ञानंजनशिलाकाय चक्षुजनमिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामशेषतम अनुमपि सतिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याज्ञाम रूपरी माधुरिम गोशपतिम राधाकुंडम गिरिवर महोराधिगामाद वासम प्राप्तुयस्य प्रतीतो कृपया गुरु श्री गुरुं तं नतोस्मि वन्दे श्री रूपम सागरजातम सहगन रघुनाथाम वितम तम सजीवम साध्वी तम सावधु तम तरिजन सही कृष्ण सही देवम श्री राधा कृष्ण पादम सहगन दलिताश्री शकान वितम शक हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे recording pause करें शुद्ध गोस्वामी का जन्म कहाँ हुआ था अः इसमें निम्न कुल में फिर भी वो भगवान प्रभुपत समझा कि भगवान की लीला कथा कहने के लिए उनको कोई बाधा नहीं थी स्पष्ट वो कहते हैं क्यों ऐसा नहीं था निम्नकुल में जन्मे तो, तो उनको संस्कार नहीं होगा नहीं उन्होंने भक्तों का संग किया था शुद्ध भक्तों का कैसे भक्तों सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव इत्यादि का संग किया था ये है भक्तों के संघ का पावर हमें भक्तों का संघ कर रहे हैं मैं देखता हूं इसको में भी बहुत सारे भक्त है कथा भी करते हैं लेकिन वो उनकी कथा में भी क्या होता है वो बोलते हैं आचार्य ने ये कहा गोस्वामी श्रीधर स्वामी ये कहते हैं सनातन गोस्वामी ये कहते हैं प्रभुपाद ने जितना आचार्य को समझाने के लिए प्रकाश दिया है वो वो ही प्रकाश से हमें आचार्य को देखना है हमारे प्रकाश से नहीं हमें हम आचार्यों को देख सकते हैं प्रभुपाद की मार्गदर्शन से प्रभुपाद के प्रकाश से नहीं कि हम आचार्यों के प्रकाश से प्रभुपाद को देख सकते हैं तो यही समझना है नहीं तो हम बहुत बड़ी गलती कर देंगे तो यहां सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव के संग से सुत गोस्वामी का कल्याण हुआ और उनको इतने लायक बन गए कि उनसे कथा सुनने के लिए शौनक आदि ऋषि तैयार हैं सोचिए यानी हम मुकम करोति वाचलम पंगुम लंग गिरी यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव हम भगवान की कृपा से ही आ, उनकी कृपा से ही हम ये सब कर सकते हैं हम बोल सकते हैं वाणी तो बोल सकते हैं यदि उनकी कृपा नहीं होगी तो हम नहीं बोल सकेंगे यानी हमारा कार्य क्या है भगवान को आनंद देना भगवान की सेवा करना और हमारा एक अंश भी और कुछ कार्य नहीं होना चाहिए तो जब मैं इसको भक्तों का कथा सुनता हूं कभी, कभी जो बड़े बड़े कथा का तो यही बात कहते आचार्य ने ये कहा आचार्य ने कहा मैंने दो तीन बार भूल भी गलती भी निकाला था कि ये गलत है आपका क्योंकि आचार्य गलत नहीं है हमारा समझना गलत है आचार्य गलत नहीं है हमारा समझना इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत सारे आचार्य की टीका लेकर प्रभुपाद ने भक्ति भक्तिवेदान बताया है भक्ति वेदांत ये भावार्थ क्या है भक्ति वेदांत तो हम भक्ति वेदांत भावार को प्रकाशित करें उसके माध्यम से ज्ञान दे नहीं तो क्या होगा देखिए इस प्रकार ज्ञान देने से ये तो हैवी ऐसा सब हम बोलेंगे कि ब्राह्मण को है आजकल के ब्राह्मण ऐसे वैसे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा पर ये भक्ति विधान परपट में ऐसा है तात्पर्य ऐसा है इस श्लोक का तात्पर्य है प्रभुपाद ने कहा था कि मैं तो भागवतम तुरंत लिख देता लेकिन मुझे आप लोगों को समझ में उसी प्रकार लिखना है कभी भी प्रभु ये मर्यादा है प्रभुपाद के जो पूर्वाचार्य है जो के गुरुगण है तो उनको उल्लंघ लांग कर नहीं, नहीं लिखना है उनको, उन्हों, उनके संदेश को टाइम प्लेस सरकमस्टेंसेस के हिसाब से उसमें थोड़ा भी अदल बदल ना हो इस प्रकार से संदेश देना है जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का संदेश क्या था सामान्य आदमी नहीं समझ सकता इवन प्रभुप उस टाइम वो बोल रहे थे कि मुझे अच्छा लगता था प्रभु लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था भक्ति सिद्धांत मेरे गुरु महाराज का लेकिन मुझे अच्छा लगता मैं बैठता था आप समझिए महाराज एक प्रवचन में कहते हैं मेरे गुरु महाराज कि आ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को समझने के लिए आपको पावरफुल इंग्लिश आना चाहिए भगवत गीता का सब श्लोक मालूम होना चाहिए फिर बंगाली आना चाहिए और आप भक्त होने चाहिए तभी भक्ति सिद्धांत महाराज को समझ सकते हम, विद्वत्ता भी चाहिए लेकिन वही मैसेज को चार चार पांच पांच घंटे का उनका लेक्चर था दो घंटा मिनिमम उस टाइम समय था आज हमारे पास समय नहीं है जल्दी फटाफट आधे घंटे में कर दो हमारे पास इतना है, ये भी नहीं है देखिए यदि हम हमारे पास समय है ना तो हम सुनते ही रहेंगे सुनते ही रहेंगे लेकिन हमारा काम है अभी ये काम करना है वो काम करना है अभी ऑफिस जाना है तो ये हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो भक्ति सिद्धांत महाराज को समझने के लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए और वही मैसेज प्रभुपाद ने जो दिया ना मैंने बहुत सारी जगह देखा है प्रभुपाद का तात्पर्य और भक्ति सिद्धांत महाराज का फिर हमको भक्ति सिद्धांत महाराज का समझ में आता है मैंने मार्ग किया है कि जो भक्ति सिद्धांत महाराज की वाणी है वो भगवत वाणी है वैकुंठ वाणी है गोलोक वाणी है प्रभुपात की भी गोलोक वाणी है लेकिन वो हमारी समझ के ऊपर है सेम वाणी सेम मैसेज थोड़ा भी डाइल्यूट नहीं थोड़ा भी। अभी हम पाइन जूस पीना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे भक्त है चलो थोड़ा और पानी डाल दो तो सबको पहुंच जाए ये डायल्यूट नहीं प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया इसीलिए प्रभुपाद ने बोला मुझे टाइम लगता है तो ये हमें समझना है तो इसीलिए बहुत सरल है मैसेज सरल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब भगवान चैतन्य महाप्रभु को आ, सारों सुना रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु एकदम सुंदर तप्त कांचन अरे आ, क्या है उनका वर्णन सोने जैसा गौरांग नहीं उनका तपे हुए सोने जैसा उनका कांति था उनका शरीर आ, राधा रानी का उनका अंग इतने सुंदर दिखते थे भगवान और उनके सुंदरता से ही सबको परास्त किया था तो ने सोचा ये युवान लड़का है सन्यासी है सन्यासी तो इस प्रकार वो माया में गिर जाएगा मैं उसको भागवतम सुनाता तो। हूँ बोला मैं तुमको भागवतम सुनाता हूँ तो उन्होंने तो भागवतम सुनाया तो जितने दिन भागवतम सुने चैतन्य वो सुनते रहे तो सार्वभम भट्टाचार्य ने पूछा क्या आप कुछ कमेंट क्यों नहीं करते हैं आप सुना पूरा बोला मैं भागवत का अर्थ समझता हूं लेकिन आप जो टीका करते वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तो वो मायावाद की टीका कर रहे थे फिर उन्हें बहुत सुंदर है चैतन में वर्णन है तो उन, उसके बाद सार्वभम भट्टाचार्य शुद्ध भक्त बने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और वो मोक्ष एक मोक्ष शब्द आता है भागवतम में मैं भूल गया वो अभी तो उन्होंने मोक्ष के शब्द को निकाल दिया सर्वम भट्टाचार्य क्योंकि बोला कि मायावादी वापरते इसलिए मैं नहीं वापरूंगा फिर चैतन्य बापरे उसके पीछे समझाया अच्छी तरह कहने का तात्पर्य कि मायावादी को यह शब्द बहुत पसंद है परमात्मा हा? फिर मोक्ष फिर ज्ञान ये शब्द बहुत पसंद है लेकिन हमें मायावादी के अनुसरण नहीं करना मायावादी भाष्य सुनी आई सर्वनाश तो मैं नहीं चाहता हम सबका सर्वनाश हो इसीलिए हमें भक्ति विदान तात्पर्य पढ़ना है और उसी से व्याख्या करनी है इस श्लोक को उसी से समझना है सबको इसी प्रकाश से समझना है प्रभुपाद के प्रकाश से यदि समझिए प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं होता है तो ये श्लोक हम नहीं समझ पाते उसे दो ये श्लोक है सोलवा श्लोक ये ना ज्ञाने न, न वैया शब्दी शब्द तेना ज्ञान से सुखदेव ये शुद्ध गो सुखदेव गोस्वामी आ, ने उसका उद्धार हुआ ये समझेंगे हम ज्ञान से उद्धार हुआ नहीं सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी थे निर्विशेष प्रभुपाद लिखते है मैंने वो प्रभुपाद की तात्पर्य पढ़ा तब तो उसमें मालूम पड़ा ज्ञान से कैसे नहीं प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे किंतु बाद में वे भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं तो भगवान की जब भक्ति ज्ञान में शुद्ध भक्ति होती है इसमें ज्ञान मिश्रण नहीं होना चाहिए तो यदि मायावादी को ज्ञान बहुत पसंद है इसीलिए ज्ञान मिश्रित भक्ति को जोर देते हैं इसीलिए मायावादी से सावधान रहना है तो वो फिर मुक्ति शब्द को भी नहीं चाहते थे कौन शारुम भट्टाचार्य जो कि प्रखर मायावादी थे उनके कितने शिष्य थे तो आ, हमें इसी तरह भागवतम को समझना है और इसमें नहीं तो क्या होगा मालूम है अरे ये तो ज्ञानी लोगों ही बैठ सकते भागवतम कथा करने पर प्रभु मुझे कुछ नॉलेज नहीं है मैं मैं तो अयोग्य ऐसा भी पब्लिक को लगेगा और एक इसमें दूसरा क्या होगा अरे प्रभु जी कितना अच्छा समझा रहे हैं। हा? कितना अच्छा तो क्या होगा कृष्ण की प्रसन्नता साइड पे हो जाएगी प्रभु जी का गुणगान और, और मैंने दो चार लेक्चर पहले बताया था कि ऐसा एक कथाकार है जो गूगल है और बहुत ऐसे आचार्य की टीका करते थे आज कहा है नहीं है वो होन में लेकिन शुद्ध भक्ति के मार्ग पर नहीं है तो इससे क्या होगा लाभ पूजा प्रतिष्ठाएगी आएगी नहीं? लाभ पूजा प्रतिष्ठा आएगी और तात्पर्य के माध्यम से हम आगे जाएंगे तो हम सावधान देंगे कि नहीं ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा मेरे लिए नहीं है ये कृष्ण का ये है सब कृष्ण की वजह से है और यहाँ यही कहते हैं कि हे ईश्वर यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न है फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया उन, उन भक्तों की कृपा से जिनका मैंने संग किया था मुझे अधिकार मिला है और मैं सुन सका और आपको अभी कहूंगा ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है ऐसे महापुरुष चाहिए प्रभुपाद एक महापुरुष है महाभक्त है महान महाभागवतो वो महान है और महाभागवत है प्रभुपाद इसीलिए प्रभुपाद का प्रकाश में सब कुछ समझना है उनके बिना कुछ नहीं समझना है यहां लिखा है कि भगवान यहां लिखा है कि किंतु जहां तक भगवान के मान भक्तों का संबंध है वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को बेच शुद्ध बनाना चाहते थे और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में ले और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें अब यह मानव कल्याण परोपकार ये मायादी का एक और सूत्र है माधव सेवा मानव सेवा और ये कल्याण कार्य परोपकार कल्याण कार्य वो उनको बहुत पसंद है लेकिन परोपकार क्या है को खिलाना ये उनका परोपकार है हॉस्पिटल बनाना ये है उनका परोपकारी कल्याण कार्य मायावादियों का ये बहुत शब्द उनको प्रिय है लेकिन यहां चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते थे करो परोपकार इसलिए सबको इस इस महान सीट पर बैठ के प्रचार करना है सबको सबको योग्य योग्यता क्या है योग्यता बिचारे किचु ना ही पाए तुम्हारा करुणा सार ये योग्यता है हम प्रभुपात की करुणा के बिना कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं यही सार है योग्यता बिचार हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तो पाछे पाछे मैं तो कंगालों में कुछ नहीं जानता हूं मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं लेकिन तुम्हारे कृष्ण तो कृष्ण आपके है आप ही कृष्ण को दे सकते हैं ये हमें प्रभुपाद को हमारे गुरु को इसी प्रकार से प्रार्थना करें कि मैं कुछ नहीं समझता हूं आपके कृष्ण है आप मुझे मैं तो आपका कुत्ता हूं यदि मैं आपका अनुसरण करूंगा तो मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकूंगा आपकी कृपा के बिना नहीं तो यहां लिखा है प्रबद महान भक्तों का शब्द यह महत्ता महत्ता मानम अभिधान यानी महान महानों का वार्ता यानी महान भक्तों की कथा प्रपत क्या कहते हैं इसका अर्थ क्या कहते हैं इसका अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक तो ये पुस्तक जो है क्या है अभिधान ये पुस्तक श्रीमद भागवतम जिसकी टीका श्री प्रभुपात के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक महान भक्तों का शब्दकोश है और ये भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक है महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबंध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद भागवतम में है तो ये प्रभुपात कहते हैं कि वेद भी श्रीमद भागवतम में है हाँ। तो ये इसका अर्थ है कि हमें इस वाणी को समझ के भक्ति वेदांत वाणी को समझ के गोलोक वाणी को समझ कर आगे बढ़ना है और वो वाणी के हिसाब से हमें आगे कर परोपकार करना है यदि ये वाणी के हिसाब से हम परोपकार नहीं करेंगे और कुछ अपना इसमें अर्थ डालेंगे तो ये बहुत बड़ा कुसेवा होगी भागवतम की भक्तों की और हम हमारा भी कुसेवा होगी तो हमें इस कुसेवा से बचना है हा? बहुत स्पष्ट तात्पर्य बहुत स्पष्ट तात्पर्य है लेकिन हमें उस तात्पर्य को समझना है ध्यान से है। यदि हमको इसमें समझ में नहीं आए तो हम किसी को पूछे कि प्रभु इसमें क्या है लेकिन आचार्य के तात्पर्य से प्रभुपात को समझना जाएंगे गर्व तो निम्न कुल में जन्म हम ज्ञानी नहीं है चलेगा हमारी एक ही योग्यता है प्रभुपात कहते हैं मेरी कोई योग्यता नहीं मेरी एक ही योग्यता थी कि मैंने गुरु के वाणी को एज इट इज प्रस्तुत किया भागवत भगवत गीता में इसमें है प्रभुपाद लिखते हैं hmm. प्रिफेस में भूमिका में हा? तो हाँ <Coughs> देखिए भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं किंतु गीता यथारू प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना रहा हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है न कि किसी राजनीतिक दार्शनिक या विज्ञानी की संसार इच्छा को क्योंकि इनमें चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता जब मायावादी लोग ज्ञान का शब्द उपयोग करते हैं तो उनका ज्ञान ये निराकार ब्रह्म से लगता हुआ ज्ञान है लेकिन यहां लिखा है कि कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता उसमें जब कृष्ण हाँ, ये देखिए, जब कृष्ण कहते हैं मन मना भवन मन, मधक्तो मद मध्यादि माम नमस्क्रो तो हम तथा कथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनके अंतरात्मा पृथक पृथक है तो हमें ये समझना है भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे प्रमाणिक अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोह्रस्त हो जाएंगे और भगवत वापस नहीं जा सकेंगे तो बात बहुत हैवी लिखते हैं यह जब हम पढ़ते तो नहीं जब ऐसी घटना बनती है तब तो हमें इसका सीरियसनेस मालूम पड़ता है तो कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा हाँ प्रभुपत कहते हैं कि यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे जाता है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व गीता की अनेक अंग्रेजी संस्करण थे यही हमारी योग्यता एकमात्र योग्यता हमारी यही है कि हम हमारे गुरु के माध्यम से प्रभुपाद के माध्यम से ये ज्ञान को समझे यही एकमात्र योग्य और कुछ हमारी योग्यता नहीं है इस इस आसन पर बैठने की एक ही योग्यता मैं समझता हूँ यदि हम गलती करेंगे गलती करेंगे क्या अलग बात है कभी बैठ के कभी हम हमको कुछ मालूम नहीं और कुछ ये बोल दिया तो ये अलग बात है लेकिन हमारा सेंटर क्या होना चाहिए कृष्ण सेवा आचार्य के माध्यम प्रभुपात के माध्यम से बहुत सारा मैं समझा सकता हूँ लेकिन आज के लिए काफी है ये हरे कृष्णा श्रीमद भागवतम की जा शिवप्रभुपात की जा पांचकल्पद्रभ्यकृ सिंध्य पतिता पावनीभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम दंते निधा तृण कंपदियों निपत्येवाचकाशतमेतहम रवी में हे साधव सकल एवं विहाय दूरा चैतन्यचंद्रचरणे कुतागा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे